संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज, मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बुधवार को पहुंचे तलवाड़ा, निजी कंपनी के विज्ञापन की शूटिंग। श्री खटीक समाज राष्ट्रीय एकता मंच ने घर घर जाकर बांटी खाद्य सामग्री, असक्षम व वृद्ध महिलाओं को टिफिन सुविधा मुहैया कराने की है योजना। पूरे प्रदेश में फैली धूल भरी आंधी का असर बुधवार को भी दिखा। फतेहगढ़ झील के इर्द गिर्द आसमान में घूमता रहा हल्की धूल का गुबार। और खेरोदा के एक युगल ने किया अपने ही जीवन साथी के साथ बहुत बड़ा धोखा, पत्नी को छोड़ दूसरी विवाहिता का घर लाने का लगा आरोप। मुंबई से पत्नी की तलाश में आया पति भी खा रहा है दर बदर ठोकरें। और आप खबर विस्तार से, सबसे पहले बात करते हैं वार्ड 40 के गारियावास क्षेत्र में न्यू राजेंद्र नगर में लगी आग की। उदयपुर के वार्ड 40 के गारियावास क्षेत्र के न्यू राजेंद्र नगर कॉलोनी में विद्युत निगम की डीपी में कल रात्रि 12 बजे भीषण आग लग गई, जिससे डीपी में विस्फोट होकर पूरी तरह से फट गई। क्षेत्रीय पार्षद राकेश पोरवाल ने बताया कि रात लगभग 12 बजे डीपी में 3 विस्फोट के साथ आग लगने की सूचना मिली। उदयपुर से बाहर होने से पोरवाल ने दूरभाष पर फायर ब्रिगेड एवं विद्युत निगम के अधिकारियों को सूचित किया, जिस पर फायर ब्रिगेड ने तुरंत आकर लगभग आधे घंटे की मशक्कत से आग पर काबू किया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते चल गया और किसी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। आज सुबह पोरवाल ने विद्युत निगम के उच्च अधिकारियों से बात कर ओवरलोड की समस्या को दूर करने हेतु 100 केवी के पुरानी डीपी की बजाय 250 केवी की डीपी लगाने की मांग की, जिस पर अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 250 केवी की डीपी लगाने की कार्रवाई तुरंत शुरू की। पार्षद पोरवाल ने बताया कि 250 केवी की नई डीपी लगने से आसपास की कॉलोनियों में आए दिन होने वाले फॉल्ट की समस्या से निजात मिल सकेगी। आपको दूरभाष पर मुझे सूचना मिली लगभग रात को 12 बजे, न्यू राजेंद्र नगर कॉलोनी गारियावास में डीपी में आग लग गई है। चूँकि मैं बाहर था तो मैंने तुरंत दमकल कर्मियों को फोन किया, वहाँ से दमकल की गाड़ी आकर आग बुझाने का पूरा प्रयास करके उसको आग को बुझाया गया। इसी बीच एवीनेल के उच्च अधिकारियों को भी मैंने फ़ोन किया, तुरंत सारे विद्युत कर्मी भी यहाँ पर मौके पर आए और दमकल ने जब आग पर काबू पा लिया उसके पश्चात इस पर इसको रिपेयर करने का काम शुरू किया गया। ईश्वर की मेहरबानी है या आशीर्वाद कह सकते हैं कि इतनी बड़ी भीषण आग लगने के पश्चात भी कोई बड़ी दुर्घटना, जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और यहाँ पर आज प्रातःकाल से ही, अर्ली मॉर्निंग से ही हमारे जेईएन साहब और एएन साहब वगैरह सारी जो टीम है ये पूरे यहाँ लगकर, और मैंने इनसे आग्रह किया था कि पहले 100 केवी की डीपी थी परंतु उसके पश्चात मकान काफ़ी बन चुके हैं, एरिया काफ़ी विकसित हो चुका है, तो बड़ी डीपी लगाने का आग्रह किया था। तो इन्होंने तुरंत इसको स्वीकार करते हुए 100 केवी के बजाय 250 केवी की जो ये डीपी नहीं लग रही है उससे मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर लोड की कोई आने वाले समय में समस्या नहीं आएगी। और जहाँ तक जो जेईएन साहब कह रहे हैं कि यहाँ कचरा वगैरह जो डालते हैं लोग, तो मेरा सभी वार्डवासियों से भी निवेदन है कि यहाँ पर डीपी के आसपास कचरा नहीं डालें, क्योंकि कचरा लेने के लिए कचरे का वाहन जो गाड़ी आती है उसमें कचरा डालें। यहाँ कचरा फैलने से गर्मी के समय में हो सकता है कहीं आग देने की वजह से हो सकता है डीपी को नुकसान पहुंचा हो। वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े लेक सिटी के खिलाड़ियों के लिए अब एक अच्छी खबर है। दरअसल उदयपुर में वर्ष 2012 में शुरू हुए वाटर स्पोर्ट्स कयाकिंग कैनोइंग को हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद से मान्यता मिल चुकी है। मान्यता मिलने के साथ ही अब लेक सिटी में वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी खुलने की संभावनाएं भी बढ़ गई है। अगर सरकार उदयपुर में इसकी शुरुआत करती है तो यहाँ पर इंटरनेशनल स्तर की प्रतियोगिताएं और टूर्नामेंट हो सकते हैं, वहीं पर्यटन विकास की संभावना भी इससे और अधिक बढ़ जाएगी। लेक सिटी उदयपुर में अब वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी गतिविधियों के संचालन की उम्मीद जल्द पूरी हो सकती है। इसको लेकर खेल विभाग द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजों को मुख्यालय को भेज दिया गया है। दरअसल कयाकिंग और कैनोइंग जैसे गेम को अब क्रीड़ा परिषद की ओर से मान्यता प्राप्त हो गई है। ऐसे में अब क्रीड़ा परिषद की मान्यता मिलते ही सभी को उम्मीद है कि सरकार चुनाव से पहले उदयपुर को वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी की सौगात दे सकती है। अगर वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी उदयपुर में खुलती है तो कयाकिंग, कैनोइंग, ड्रैगन बोट, सेलिंग, रोइंग, ट्यूब स्कीइंग, वाटर स्कीइंग, विंड सर्फिंग, अकाडिंगी और सेलिंग जैसे गेम उदयपुर में आसानी से हो सकते हैं। इसके अलावा अगर वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी उदयपुर में खुलती है तो इससे
इंटरनेशनल स्तर के टूर्नामेंट भी उदयपुर में हो सकते हैं। वहीं इस अकेडमी के खुलने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाएं भी यहां पर तैयार हो सकती हैं। स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए उदयपुर का दावा इसलिए भी मजबूत है कि अब तक उदयपुर में हुए 6 नेशनल इवेंट में 25 पदक यहाँ के खिलाड़ियों ने जीते हैं। जैसा कि विदित है, उदयपुर जिलों की नगरी कहलाती है और काफी यहाँ उदयपुर के आसपास में भी बहुत सारी राजसमंद जयसमंद बड़ी बड़ी झीलें हैं। विगत 3 सालों से यहाँ राष्ट्रीय कैटलाइन प्रतियोगिता का आयोजन हमने यहाँ किया था। वो उसकी प्रतियोगिता का सफलता देखते हुए और लोगों को जो रुझान देखा उसके चलते हुए हमने बहुत पहले यहाँ एक कायकिंग कहने की स्पोर्ट्स एकेडमी, वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार को भेजा था। उस दरमियान राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद से इस खेल की मान्यता नहीं थी, परंतु अभी हाल ही में पिछले महीने में ही राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद से कायकिंग कैनोइंग की मान्यता प्राप्त हो गई है। अब इस मान्यता प्राप्त होने से शीघ्र ही उदयपुर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन हो गई होगा, पर स्थानीय पूरे जो संभागीय जनजाति संभागीय के जो उभरते हुए खिलाड़ी है उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी को खोला जाए जिससे कि सारे बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए और उदयपुर का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित। झीलों के शहर के नाम से मशहूर उदयपुर शहर में करीब 4 झीले होने के बावजूद गर्मी के मौसम में पर्यटकों की खासी कमी देखी जाती है। इसी वजह से कहीं न कहीं पर्यटन क्षेत्र से जुड़े व्यवसायियों को थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में अगर उदयपुर में वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत हो जाए तो गर्मी के मौसम में पर्यटकों को गर्मी से राहत दिलाने वाले खेलों का आयोजन भी यहां हो सकता है, जो कि दमन दीव और गोवा के बाद उदयपुर में भी पर्यटकों को खासा आकर्षित कर सकता है, जिससे उदयपुर में पर्यटकों की तादाद में वृद्धि भी होगी और टूरिज्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी फायदा होगा। वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी की जो DPR वगैरह जो भी है वो सब हमने बना के भेज दी, उसमें कितना खर्चा लगना है, क्या क्या चीजें, जो संपूर्ण उसकी जानकारी थी वो भोपाल में जो वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी चल रही थी उसके तहत हमने वहाँ जाकर उसकी सारी निरीक्षण किया, वहाँ से सारे जानकारी जुटाई गई और उसके पश्चात हमने जिला कलेक्टर महोदय पूर्व जो रोहित जी गुप्ता थे उन्हीं का ये हमें निर्देश थे, उन्हीं के निर्देशानुसार उन्होंने राज्य सरकार को भेज दिया और पूरी उम्मीद है कि शीघ्र ही राज्य सरकार इस पर निर्णय लेके, क्योंकि राजस्थान में अभी वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी का कहीं पे भी कोई स्थान नहीं है और उदयपुर में यह पहली वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी खुलने जाएगी। जो पर्यटक आएंगे उसको कितना लाभ होगा? बिल्कुल, खेलों के साथ साथ ये जो वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी में उसमें कायकिंग कैनोइंग के अलावा भी जो साहसिक वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होती है जिसमें की जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं बाहर के जो भी जितने उदयपुर घूमने फिरने के लिए आते हैं उनके लिए भी वहाँ सारी एक्टिविटीज का संचालन होगा, तो इस क्रम में उदयपुर में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा खेलों के साथ साथ। बहरहाल वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी की स्थापना अगर झीलों का शहर उदयपुर में होती है तो इससे टूरिस्ट का अट्रैक्शन इस शहर की ओर निश्चित रूप से बढ़ेगा। ऐसे में इस सौगात से उदयपुर शहर के टूरिज्म का विकास तो होगा ही, साथ ही वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी प्रतिभाओं के लिए यह सौगात मील का पत्थर साबित होगी। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार फोर्ट। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। ऑफर आखा तीज के पावन पर्व पर प्लॉट खरीदने पर विशेष छूट, 1000 वर्ग फुट के लिए 0% डाउन पेमेंट और 2300 रुपए की 70 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 6 विनायक कुंज बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने उदयपुर। कॉल इट 0294247065 9829 6321258003498443। शादी को बरसों बीत गए,
लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी जब नील कंठ पे नजर पड़ी। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी अब नन्हे मुन्हे बच्चे की। घर में फुलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर। रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ मदरहुड। थैंक यू नीलकंठ। प्राइमरी एजुकेशन से ग्रेजुएशन तक एक ही संस्थान से हासिल कीजिए शिक्षा, साथ ही बीए, बीएड और बीसीए की डिग्री कोर्स भी आप यहां से कर सकते हैं। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज पुरोहितों की मादड़ी उदयपुर, द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज गांव बुड़ल पंचायत लालपुरा कुराबड़ उदयपुर। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध। For better education of your student, we are imparting education through latest technology with a minimal fee structure. Admissions are open, so please visit our school. 1:25 का छात्र अध्यापक रेशियो, e-library, कंप्यूटर कक्ष, योगा के साथ इंडोर आउटडोर गेम्स और खेल मैदान, रेगुलर हेल्थ चेकअप, RO वाटर जैसी कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त। मैं आसपास के सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं, उनको अच्छी गुणवत्ता युक्त योग्य अध्यापकों प्रोफेसर द्वारा शिक्षा दी जा रही है। द गुरुकुल स्कूल जो आधारभूत सुविधाओं से युक्त है, जिनमें अध्यापकों के अनुभवी समूह निर्धारित किए हुए हैं, जिनको विशिष्ट लोगों ने मार्गदर्शन दिया है, वाहनों की सुविधा भी है और 5 से ऊपर हॉस्टल की सुविधा भी है। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज पुरोहितों की मादड़ी उदयपुर, द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज गांव बुड़ल पंचायत लालपुरा कुराबड़ उदयपुर। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे बी आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इकोरोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, कालापानी मोतियाबिंद नाखूना नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन आरके एंड लेजिंग, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉरपोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान, कॉल इट 2561600, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी, रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ। काफी भीड़ भी जमा हो गई थी, भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल
कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। श्री खटीक समाज राष्ट्रीय एकता मंच की ओर से आज ग्रामीण क्षेत्र में खटीक समाज के गरीब तबके की महिलाएं हैं जो अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं कर पाती। गरीब महिलाओं को समाज के आज राष्ट्रीय एकता मंच के सदस्यों ने खाद्य सामग्री जाकर उनके घर पर भेंट की। वह वहां से संकल्प लेकर निकले कि जितने भी समाज के गरीब महिलाएं हैं जो खुद कुछ नहीं कर पा रही हैं, न बना सकती हैं, उनके खटीक समाज राष्ट्रीय एकता मंच घर घर जाकर उनको खाद्य सामग्री देंगे और अगली मीटिंग में खटीक समाज राष्ट्रीय एकता मंच की ओर से उन महिलाओं को टिफिन सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। आज खटीक समाज जाकर उस बूढ़ी वृद्ध महिला से जाकर मिले, समाज की ओर से उनका सम्मान करा, उनके पांव छुए व उनका आशीर्वाद दिया। उन महिलाओं को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद से प्रेरणा मिली, इतनी ऊर्जा मिली कि आगे भी समाज के हित में ऐसे कार्य होते रहेंगे और करते रहेंगे और कभी पीछे नहीं हटेंगे। खटीक समाज राष्ट्रीय एकता मंच पर उपस्थित माननीय खटीक समाज राष्ट्रीय एकता मंच के संस्थापक श्री शंकर लाल जी खटीक व संभागीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी चौहान व प्रदेश महामंत्री हरीश जी चौहान, जिला अध्यक्ष जय निमावत, जिला सचिव विक्रांत चौहान, महामंत्री कमलचंद, प्रकाश खटीक, बड़गांव ब्लॉक उपाध्यक्ष नरेंद्र खटीक, ब्लॉक महामंत्री धर्मेंद्र खटीक, बड़गांव ब्लॉक संगठन मंत्री, राष्ट्रीय एकता मंच के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो ये खटीक समाज राष्ट्रीय एकता मंच आया है, आप जो भी खाओ पियो और पबंद आप की तरफ वीरो हो। खटीक समाज राष्ट्रीय एकता मंच आडू खाना खावा रो पीवा रो सब सामान दे रहा है ना आ तू यो ठीक है यो यो तो है तेल तो था तेल नहीं वो नीचे से रखो आप दाल चावल सब सब सामान इधर कांदा लहसुन आलू सब एड में ले जाओगे ऊपर रखवेदा रखवेदा ठीक है जो जाने घेरा ये भाग्य मत मारे करो ये खाजो इधर ये टोस है टोस और ये ब्रेड है गिला गिला रे खाइए जो महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ की ओर से एक बार फिर नियमित करने की मांग को लेकर उदयपुर में जिला कलेक्टर के बाहर धरना दिया गया। संघ के सदस्यों की माने तो राज्य सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा कर्मियों को नियमित करने के लिए 2013 से प्रक्रिया को चालू किया, लेकिन उसके बाद सरकार के मंत्री और अधिकारियों की लापरवाही के चलते यह भर्ती प्रक्रिया अटक गई और हजारों लोगों को नियमित होने से वंचित होना पड़ा। पिछले 5 सालों से लगातार नरेगा कर्मियों की ओर से अलग अलग तरीके से विरोध करने के बाद भी सरकार का रुख साफ नहीं होने से अब उदयपुर में नरेगा कर्मियों ने जिला कलेक्टर के बाहर धरना देकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ के सदस्यों की माने तो सरकार इन 5 सालों में चाहती तो सभी को नियमित कर हजारों लोगों को लाभ पहुंचा सकती थी, लेकिन सरकारी कामकाज पूरी तरह से होने से सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन अब अगर सरकार समय रहते मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आगे सरकारी कामकाज को ठप किया जाएगा और पूरे जिले की पंचायतों में किसी तरह का कोई काम नहीं होगा, जिसे आम जन को परेशानी होगी और इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। संघ
प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि राज्य सरकार की मंशाओं के अनुरूप डिजिटल राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने तथा बेरोजगार तथा आईटी एक्सपर्ट्स युवाओं को मंच प्रदान करते हुए उनके आइडियाज से विकास प्रक्रिया को गति प्रदान करने की जिला प्रशासन की अनूठी मुहिम कारगर साबित होगी। राज्य मंत्री धन सिंह रावत बुधवार को बांसवाड़ा जिला उद्योग केंद्र में सिनर्जी सॉल्यूशन सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश आज अच्छे आइडियाज के आधार पर ही प्रगति कर रहा है और इस सोच के साथ आईटी प्रतिभाओं के लिए प्रशासन द्वारा स्थापित किया गया यह सेंटर राजस्थान में पहला सेंटर है। इससे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में भी छिपी आईटी प्रतिभाओं को निखारने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने बताया कि इस सेंटर में आने वाले युवाओं को उनके आइडियाज को तैयार करने के लिए इंटरनेट इत्यादि की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया जिला उद्योग केंद्र में एलएनजी ग्रुप भीलवाड़ा की बांसवाड़ा यूनिट के सहयोग से बनाए गए इस सेंटर में तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को बैठने एवं इंटरनेट का प्रयोग कर नए आइडिया विकसित करने की सुविधा दी जाएगी। इन उपयोगी नए विचारों के प्रचार प्रसार के लिए समय समय पर कंपनियों के साथ बैठक करवाई जाएगी। आज हमने बांसवाड़ा में हमने एक ऐतिहासिक कदम की ओर बढ़ने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं जिला कलेक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सिनर्जी सॉल्यूशन सेंटर का उद्घाटन हमने राजस्थान में पहली बार बांसवाड़ा में किया है और हमारे बांसवाड़ा के जो युवा है, जो इंटेलिजेंट है, जिनके कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं, जो सामाजिक एक्टिविटीज में उनके आइडियो का लाभ मिल सकता है, उस ऐसे युवाओं को यहाँ पर अपनी प्रतिभा निखारने का एक अवसर मिलेगा। एक रूम दिया है और जो जो आइडियाज है वो अपने में शेयर कर सकता है आपस में और इसका लाभ लोगों को मिले, इसका हमने शुरुआत किया है। तो मैं जिला प्रशासन का और हमारे एलएनजी ग्रुप के शर्मा जी और मुंद्रा जी, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बांसवाड़ा में बेरोजगार युवा ही नहीं, जो युवा अच्छा कैपेबल है, जिसने ट्रेनिंग कर रखी, जिसने आईटी कर रखी, जिसने इंजीनियरिंग कर रखी, जिसने कुछ और कर रखा, लेकिन जो युवा जो वहां तक पढ़ा लिखा नहीं, जो कम पढ़ा लिखा है लेकिन उसके आइडिया समाज के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, ऐसे युवाओं को भी योगदान देंगे, उसका भी एक मौका मिलेगा और हमारे जिला कलेक्टर साहब को अच्छा लगेगा कि हाँ इसका आइडिया बेस्ट हो सकता है समाज के हित में, राष्ट्रीय हित में, तो ये एग्जामिन करके उसको भी मौका देंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि किसान के अलावा सब किसान के लिए हम कर ही रहते हैं, गांव गरीब किसान के बारे में कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारों के लिए एक सुनहरा अवसर हमने उपलब्ध कराया है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इम्प्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। फोन 0294-241-4256, मोबाइल नंबर 9414122216। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to second standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School. Near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School. 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekre Madari Link Road, Udaipur. Shadi, shadi, shadi.
दुर्गेश टेंट एवं फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स। उदयपुर शहर वासियों के लिए लाया है नैनो जीतने का बम्पर धमाका। एक लकी ड्रॉ पहली 20 बुकिंग पर और घर ले जाएं नैनो कार। जी हाँ, नवंबर से फरवरी के मध्य की पहली 20 बुकिंग में से एक लकी विजेता को मिलेगी नैनो कार। तो आज ही बुक कराएं, कहीं देर न हो जाए। बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बैंड, घोड़ी, बग्घी, डोली, पालकी, ब्राइडल एंट्री, कोरियोग्राफर, एंकर, एलईडी वॉल, डीजे साउंड, पूरा पैकेज। अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए, कहीं नैनो आपके हाथों से निकल न जाए। शर्तें व नियम लागू। तो उठाइए पेन व पेपर और नोट कीजिए। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड 100 फीट शोभापुरा रोड नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बुधवार सुबह बांसवाड़ा पहुंचे। ठंडा ठंडा कूल कूल फेम धोनी उर्फ माही के साथ पुलिस वालों ने भी खूब फोटो खिंचवाई। वे निजी विमान से तलवाड़ा की हवाई पट्टी पर आए। वे यहां पर सीमेंट कंपनी के लिए कोई विज्ञापन फिल्म बनाने के लिए आए। उनके आने की सूचना पर यहां उनके प्रशंसकों की भीड़ एकत्र हो गई। उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। कंपनी अधिकारी भी माही के साथ सेल्फी लेते दिखाई दिए। उल्लेखनीय है कि इन दिनों फटाफट क्रिकेट आईपीएल चल रहा है, जिसमें धोनी के नेतृत्व वाली चेन्नई सुपर किंग्स भी शामिल है। आपने स्वजातीय विवाह, प्रेम विवाह, विधवा विवाह, बाल विवाह के बारे में तो कई बार सुना होगा, लेकिन उदयपुर के वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र के ऐसी घटना हुई है जिसे किसी विवाह का नाम तो नहीं दिया जा सकता और न ही उसे अभी तक किसी रिश्ते से जोड़ा जा सकता है। वैसे इन दिनों लिव इन रिलेशनशिप जैसे केस भी काफी चल रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते को इससे जोड़ा जाना भी उचित नहीं होगा। जी हाँ, खिरोदा थाने में इन दिनों एक पत्नी अपने पति और एक पति अपनी पत्नी को फिर से पाने के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई यहां होती दिखाई नहीं दे रही है और होगी भी कैसे। इस पूरी कहानी के किरदार में विवाहिता को भगा ले जाने वाला जिस पुरुष आरोपी का नाम लिया जा रहा है, उसके जन्मदाता खुद खाकी के नौकर हैं। पीड़ित महिला पुरुष की मानी जाए तो यही वजह है कि कानून की रक्षा करने वाली खाकी ही उनका साथ नहीं दे रही है। यह है वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र का नामचीन थाना खेरोदा, जो पहले भी कई बार सुर्खियों में आ चुका है। पिछले दो दिनों से यहां पर चंदा नाम की एक महिला अपना हक पाने के लिए प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करवाने में लगी हुई है, लेकिन उसकी यहां सुनी ही नहीं जा रही है। सोमवार दिन भर यहां रहने के बाद देर रात तक महिला अपनी रिपोर्ट लिखवाना चाहती थी, लेकिन जिम्मेदारों ने उसकी गंभीर बात को भी साधारण समझ लिया। आपको बता दें कि पीड़िता चंदा के पति का नाम धीरज है और करीब 10 वर्ष पहले चंदा और धीरज ने 7 जन्मों तक साथ रहने का वचन लेते हुए विवाह की सारी रस्में पूरी की थी। विवाह के बाद सब कुछ सही चलता रहा और दोनों के प्यार के निशाने के रूप में परिवार में एक प्यारी मासूम बच्ची भी आ गई। पीड़िता चंदा की माने तो यह बात उसके सास ससुर और ससुराल के दूसरे लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि चंदा ने एक बेटी को जन्म दिया था। उसके बाद से ही ससुराल वाले हमेशा उसे परेशान करते रहते थे और भ्रूण जांच कराने तक के लिए दबाव बनाने में लग गए। बाद में पति धीरज भी बदल गया और उसने भी मारपीट करना शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उसकी मासूम बच्ची की भी ससुराल वालों ने कई बार पिटाई की। मेरी शादी 10 साल पहले हुई और शादी के 3 साल बाद मेरी एक बेटी हुई और जैसे ही बेटी 5 साल की हुई, उन लोगों ने मेरे पे टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि पहले भी बेटी हुई और अब जो होगा वो 9वें महीने लड़का होना चाहिए। उस बात पे मैंने उनको मना किया कि ये मेरे बस में नहीं है और बोला कि जब अगर लड़की हो गई तो हम पेट में ही जांच करवाएंगे और हमारे जान पहचान वाले हैं, अब कहाँ है वो मुझे पता नहीं, और हम जांच करवाएंगे, लड़की हुई तो अबॉर्शन करा देंगे और बाकी लड़का हुआ तो हम उसको रखेंगे। मैंने इस बात पे मना कर दिया। उस दिन से जब से मेरी बेटी 5 साल की थी तब से वो लोग ये सारे जो टॉर्चर है वो सब कुछ कर रहे हैं, मुझे मारना, गालियां देना, लोगों में मैं बच्चलन हूँ ये बात चलाना, हर चीज़ के लिए उन्होंने हर एक चीज़ करी। जब इन सबसे मैं परेशान हो गई, मेरे मम्मी पापा के यहाँ चली गई तो वहाँ भी उन लोगों ने मेरे मम्मी पापा को फोन करके टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि अगर तुम लोगों ने उसको नहीं भेजा यहाँ पे तो तुम्हारा एक लड़का है और हम लोगों की पहचान है, और मेरे ससुर जी पुलिस में है तो उन्होंने कहा कि मेरी सब जगह मेरी गुंडों से भी पहचान है और पुलिस वालों से भी पहचान है, तो एक बेटा है तुम्हारा और कहीं मैं मार डालूंगा पता ही नहीं चलेगा।
और फिर मेरे माँ बाप ने परेशान होकर मुझे कहा कि तू या तो यहाँ से चली जा या फिर हम लोग मर जाएंगे। तो देखा आपने किस तरह खेरोदा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला अपना हक पाने के लिए थाने के चक्कर लगा रही है। बात यहीं तक होती तो भी ठीक था, बस अपराध की असल कहानी तो अब शुरू होती है। जी हाँ, चंदा ने आरोप लगाया कि उसका पति एक विवाहिता के साथ अपने घर में रह रहा है और इसमें ससुराल वालों की पूरी रजामंदी है। चंदा ने उदयपुर न्यूज को हिंदू कानून का हवाला देते हुए बताया कि बिना तलाक के कोई भी महिला या पुरुष किसी अन्य के साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन उसके पति ने ऐसा किया है और चूंकि उसके ससुर पुरुषोत्तम लाल पुलिस में है इसलिए पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है। उसके बाद मैं वापिस वहाँ पे गई, वापिस वहाँ पे 2 महीने रही, उसमें भी उन्होंने मेरे को मारा और बोला कि तूने जो जॉब करी उस जॉब के जो पैसे हैं उन सबका जो तेरे अकाउंट में पैसे हैं वो सारा एटीएम लाके हमें दे, जो तेरे पास ज्वेलरी है वो सारी ज्वेलरी लाके दे, हमें पैसे लाके दे और झूठी एफडी बताई कि ये हमने तो तेरे नाम पे 5 लाख की एफडी कर रखी है, वो 5 लाख की एफडी लाके हमें दे। और जब 2 महीने में वहाँ रही उसमें भी मुझे बहुत मारा उन लोगों ने, और फिर मैं वापस पुलिस 100 नंबर पे कॉल करके और वल्लभ नगर थाने से मेरे मम्मी पापा के यहाँ आ गई। और अभी हमें 8 दिन पहले पता चला कि वो किसी लड़की को लेके भाग गया है और अब आज हम यहाँ वापस अब यहाँ आए। आपको टॉर्चर करने में किस किस की भूमिका थी? मेरे सास ससुर पति और वहाँ पे हमारे काकिया ससुर जी हैं बसंती लाल जी, वो मेरे नंदोई जी और उनकी फैमिली। अभी जानकारी में आ रहा है कि वो किसी दूसरी युवक को युवती को लेके चला गए हैं। हाँ। तो क्या उससे आप सहमत हो या नहीं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, उनकी बीवी हूँ और भारतीय कानून में ये बिल्कुल लिखा हुआ नहीं है कि मैं जब तक पहली पत्नी जिंदा है या वो डिवोर्स नहीं ले रही है, नहीं लिया हुआ उसने, तो वो दूसरी पत्नी नहीं रख सकती। खेरोदा थाना क्षेत्र में अपने पीहर में रह रही पीड़िता चंदा की कहानी तो आपने अब तक सुन ली होगी और जान भी लिया होगा कि बेटी को पैदा करना उसके लिए कितना भारी पड़ा। बिना शादी के ही उसका पति किसी विवाहिता को उसके ही घर में ले आया और चंदा को एक तरह से बाहर ही निकाल दिया। अब तक कहानी के एक पहलू से आप रूबरू हुए होंगे, अब हम आपको दूसरे पहलू से भी रूबरू करवाते हुए उस शख्स राजकुमार से मिलवाते हैं जो मुंबई में व्यापार करता है और इन दिनों अपने घर पर सिर्फ इसलिए आया है कि उसकी पत्नी किसी और के साथ चली गई और वह उसे ढूंढने के लिए खेरोदा थाने में रिपोर्ट लिखवाने आया है। इस पूरे खेल में दिलचस्प मोड़ तब आ गया जब चंदा और राजकुमार को पता चला कि दोनों के आरोपी एक ही घर में है, यानी चंदा का पति राजकुमार की पत्नी के साथ रह रहा है। पता चलने के बाद इन दोनों के बीच भी थाने के बाहर काफी बहस हुई। आइए पहले इसे सुन लेते हैं। रिपोर्ट दे दी हमने, पुलिस वाले नहीं सुन रहे, वो भी मेरा भी नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे। आप कार्रवाई करो, आगे ना आपकी लू गई है, मेरे घर पे बैठी है, जो लेके आओ। तो आप भी आपका धनी मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची को अभी वो मेरी बच्ची को वहाँ पे मार पीट रही है, दे रही है, अपनी लू गई को लेके आओ। मैं कुछ नहीं, आपका धनी को सामने लाके साबित करो, फिर मैं उनको बोलता हूँ। कटू को भाग गई, आई नहीं गई, भाग गई, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, आपका धनी लेके भाग। आप उसको अवेयर के रखते, मैं कैसे उसको रिपोर्ट दे दिए, ये लोग सुने नहीं सुने, मैं नहीं जानती। आप अपनी लू गई मेरे घर पे बैठी, मेरे पति को लेके आओ, फिर मैं करता हूँ। मेरे पति को उसने सीखा कि अपने वश में कर रखा है, मेरी छोरी को उसने मार पीट रही है वहाँ पे, मेरे खबर है नानी, मेरी छोरी लीन नहीं किनारे वाई, अपनी लुगे लेके आओ, मैं कुछ नहीं जानती। क्या आप जाके बोलो अंदर की हमारी कार्रवाई करो, हमारा कार्रवाई भी नहीं करनी। तो आप जाके बोलो अंदर, आप ऊपर उदयपुर जाओ, नहीं तो उदयपुर चलो, आप उदयपुर जाओ कि हमारी हमारी चाहिए करो, फिर उदयपुर ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर उदयपुर चलो। ये लोग किसी की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, किसी का ही नहीं कर रहे, दोनों पार्टी का नहीं कर रहे। आपकी, आप जाके बैठो ना वहाँ पे, मेरी लुगई आप मुझे ला दो। 8 दिन बाद पता चला तो, उसके बाद आपको पता चला तो, मैंने आपको नहीं बोला, मुझे भी 8 दिन बाद ही पता चला। नहीं तो मेरे को आपने भी नहीं बोला कि ये बात हुई, तो मेरे को कल पता चला। मैं नहीं जानती कौन है, तो मेरे को भी नहीं मालूम था ना, मेरे को भी नहीं मालूम था ना, मैं अभी 6 महीने से नहीं ला रहा हूँ। अब आप वहाँ पे जाके बोलो ना, मेरे को 6 महीने से नहीं भेज रहे थे, मैं क्या करूँ उसमें। तो आप पुलिस वालों से जाके बात करो, मेरे घर से लेके आओ। पुलिस वाले मना कर दिया, रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कर रहे। तो आप आगे जाओ, मैं कुछ नहीं जानती, मेरे घर से आज के दिन में वो बाहर निकल जानी चाहिए। नहीं तो आप निकाल देना, मैं क्या करूँ उसका, मुझे हम लोग उधर जाते तो वो तो डरते, तो वो मिलते ही नहीं। मेरे भाई को, माँ को, बाप को मारने की धमकी देता है, मैं वहाँ नहीं जाती। वो धमकी सामने वाला हमको भी देते, आपको तो वो लड़की वाला धमकी नहीं दे रहा है, लड़के वाला दे दे, तुम इधर आओगे तुमको गोली से उड़ा देगा। मैं नहीं जानती, नहीं जानती है तो आप फिर आपके ससुर में जाके रो, फिर उसका होगा वो, हम देखें। मैं वहाँ जाऊंगी तो वो मारते हैं मुझे, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। हमको भी धमकी देता है, उसका कौन जिम्मेदार। आप धमकी के लिए जान के खतरे की रिपोर्ट करो,
तो देखा आपने कलयुग के तथाकथित महिला पुरुष को जिन्होंने अपने ही जीवन साथी के साथ धोखा करते हुए विवाहेतर संबंध के नशे में चूर होकर दो परिवार बिगाड़ कर रख दिए। जब मुंबई से लौटकर पीड़ित पति राजकुमार खिरोदा पहुंचा तो यह बात सुनकर उसके होश उड़ गए कि उसकी पत्नी किसी और की जीवन संगिनी बन गई है और अगर वह उसे लेने जाएगा तो आरोपी युवक उसको जान से मार देगा। बाद में राजकुमार खिरोदा थाने में पहुंचा और रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से वह खुद को काफी ठगासा महसूस कर रहा है। घर पे रख के गया था, इसका कोई पुलिस वाले सुनवाई नहीं कर रहा था, रिपोर्ट भी दिया था उसका कोई, उसके ऊपर मेरे को जान का खतरा, और उधर जाते हैं तो हमको धमकी देता है, उड़ा नहीं है, और पुलिस वाले भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको कल पता लगा तो हम प्लेन से आए, नहीं तो फिर हमको जान से हम किधर जाएंगे, नहीं तो हमको बोलते जिधर मिलेगा जिधर भी उड़ा दूंगा, नहीं तो खेरदा थाने भी पुलिस चौकी में हमको सुनवाई नहीं कर रही है। आप खेरदा थाने पे रिपोर्ट दी क्या? हाँ दिया था मैंने, तो वो भी बोलती है नहीं करेगा तुम्हारा कुछ, तो वो करेगा, वो मारेगा तो हम मरेंगे क्या? नहीं तो फिर ये सुनवाई नहीं करेगी तो कौन करेगी? पुलिस वाला नहीं करेगा तो दूसरा कौन करेगा? वो आपका फिर, नहीं तो फिर हमको आगे जाने का नहीं जाने का, वो आप हम मुख्यमंत्री से भी मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। खेरोदा थाने के बाहर खड़े पत्नी पीड़ित पति और पति पीड़ित पत्नी के बीच हो रही बहस और उनकी आपबीती के बारे में तो आपने सुन लिया होगा, और यह सब देखकर लगता भी है कि इन दोनों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वहीं जो धीरज और राजकुमार की पत्नी ने किया है वह रिश्ता भी समाज में कुछ कहलाने वाला तो नहीं दिख रहा है। इस पूरे मामले में खेरोदा थाना अधिकारी पूना राम ने कहा कि दोनों की शिकायत दर्ज कर ली गई है और इस पर जांच की जा रही है। डॉक्टर ऑफ रामचंद्र बारठा बाठड़ा के निवासी हैं, जिनकी थाने पे एमपीआर दर्ज थी, जो कल कुतल के थाने पर आई और उसके दस्तक किया गया, बयान लिए गए, बाद में उसकी साथी शख्स को रिक्षत दी गई। थाने पर चंद्रा डॉक्टर ऑफ नंदलाल मिनारिया खरसान भी आए, उन्होंने कहा कि दिलीज मिनारिया मेरा पति है, जिस पर उनसे रिपोर्ट लेकर परिवार कल्याण समिति वलभगंज को भिजवाई गई है, उसको प्रकरण दर्ज किया जाए। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बुधवार को पहुंचे तलवाड़ा, निजी कंपनी के विज्ञापन की शूटिंग। श्री खटीक समाज राष्ट्रीय एकता मंच ने घर घर जाकर भाजी खाद्य सामग्री, असक्षम व वृद्ध महिलाओं को टिफिन सुविधा मुहैया कराने की है योजना। पूरे प्रदेश में फैली धूल भरी आंधी का असर बुधवार को भी दिखा, फतेहसागर झील के इर्द गिर्द आसमान में घूमता रहा हल्की धूल का गुबार। और खेरोदा के एक युगल ने किया अपने ही जीवन साथी के साथ बहुत बड़ा धोखा, पत्नी को छोड़ दूसरी विवाहिता का घर लाने का लगा आरोप, मुंबई से पत्नी की तलाश में आया पति भी खा रहा है दर बदर ठोकरे। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज, नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।